इल्म ढाई अक्षर का एक शब्द। इल्म जीवन की ना हमवार राहों में रोशनी का मीनार। इल्म जाति और समाजी दुश्वारियों से टक्कर लेने की ताकत। बडोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे भी आपका और आप सबका स्वागत करते हुए बेहद मसर्रत हासिल हो रही है सलीमा। लेकिन आखिर पूछिए कि ऐसा क्यों है? क्यों? वाह वाह वाह, खुदा खैर करे, क्या बागो बाहर नजर आ रही हैं आप। लेकिन ये बताइए कि सब हुआ कैसे, क्यों हुआ है? आपके सवाल के दो जवाब है मेरे पास। अच्छा। एक तो ये कि मैं पैदाइशी खुश मिजाज हूँ, और दूसरे ये कि मैं ये समझती हूँ कि इंसान को असली सुख तभी हासिल होता है जब उसे अपने दुख का कारण पता चल जाए। जी 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 जी, तो अब आप ये बताने की कृपा करेंगी कि आप कौन से दुख की जड़ तक पहुंची हैं? अब भाई मैं आप बीती नहीं जग बीती कह रही हूँ। देखिए, हमारे देश को आज़ादी मिले हुए 55 साल हो गए। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि इस अरसे में अपने देश के लिए जो हमने सुहाने सपने देखे हैं वो पूरे हुए? हाँ, कुछ कुछ हुए, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुए। बस यही है हमारे दुख का कारण। और इसकी वजह क्या है भाई? शिक्षा का अभाव, तालीम से कुताही। 16 आने खरी बात कही है आपने। देखिए, बात यह है कि हमने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सोचा है कि क्यों ना आज तालीम पर तबसरा किया जाए। बहुत अच्छी बात, क्योंकि है। आप जानती हैं कि हमारे मुल्क में कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी तालीम की बेहद कमी है। और क्या इस कमी को दूर किया जा सकता है? या कुछ ऐसे लोग हैं जो जहालत के दायरे से बाहर निकल कर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल हैं, और ऐसी कई जिंदा मिसालें आज हमारे सामने हैं। हमारी आज की मिसाल हैं मोहम्मद इब्राहिम वल्द सूरत सिंह, गांव छारोड़ा, तालीम 8वीं जमात। बडोला, अमीर खुसरो की वो रचना याद है तुम्हें, वो जो उन्होंने अपने पीर निजामुद्दीन औलिया को एक सरसों के फूलों का गुलदस्ता देते हुए कही थी? हाँ, क्या बात है। सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों। ये क्या चीज है साहब? आप बताइए। इसके लिए तो खुर्दबीन लाइए आप, तब पता चलेगा। अरे हुजूर, ये एक अदना सा छोटा सा सरसों का दाना है। अच्छा, तो इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मैं तो ये कहती हूँ कि आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि छोटा सा एक सरसों का दाना एक दिन लहलहाता हुआ सरसों का खेत बन जाएगा। अरे ये तो कुदरत की कारीगरी है जनाब, जर्रे को चमकाए जो आफ्ताब। देखिए, इंसान की नस्ल भी जब फलती फूलती है तो कहीं ना कहीं किसी शख्स की छोटी सी कोशिश से ही शुरुआत होती है। बिल्कुल। और बता भाई सूरत, कैसा चल रहा काम काज? काम काज तो ठीक चल रहा है चौधरी साहब, पर अब तो मुझे कुछ और ही फिक्र है। क्यों जी, वो क्या है? देश की है या विदेश की है? अरे बावले, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है तेरे पास। रे जमींदारा है, बच्चे हैं, उसका शुक्र अदा कर। शुक्र तो करता हूँ अल्लाह का, पर अब तो सोचता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने का कुछ जुगाड़ हो जाए। ओ तो ये फिक्र खाई जा रही है हमारे यार को, हैं? अबे क्या करेगा पढ़ा लिखा कर, हैं? फौज में ले जाएंगे अंग्रेज फौज में, या फिर मुंशीगिरी। अच्छा खासा जमींदारा छोड़, चाकरी करवाएगा औलाद से? क्यों, पढ़ना लिखना सिर्फ चाकरी के लिए होता है, इल्म के लिए नहीं। अरे भाइयों, पढ़ाई लिखाई से दिमाग तेज होता है काम धंधे की बेहतरी के लिए। हाँ, तू लगा झाड़ू औलाद का दिमाग तेज करते करते। पता है कहाँ पढ़ता है स्कूल? 12 कोस की दूरी पर है, 12 कोस की। और जब धूप में आते जाते पसीना निकलेगा ना, तो हो जाएंगे लोनों के दिमाग तेज। हाँ, पसीना तो खेत में हल चलाते और खुले में ढोर चराते भी निकल जावे है। भाई आज चौधरी ने बात तो पते की कह दी है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। आओ जी। ये थी अशिक्षित समाज के सभ्य लोगों की सोच, पर नासमझ, गैर जिम्मेदार, अंधेरों में भटकते समाज में से ही रोशनी की एक किरण चमकी, जिसने आने वाली नस्लों को एक नई मंजिल दिखाई। सूरत सिंह ने अपने आप से वादा किया कि वो अपने बच्चों को जहालत के अंधेरों से खींचकर इल्म की तरफ ले जाएंगे, तालीम की राह अपनाकर।
1928 में हमारे यहाँ स्कूल खुला गाँव दो क्लास का। सबसे पहले मियाँ जी के काले खान साहब हैं वो दाखिल हुए, दूसरे नंबर पर मेरा नाम है। तो गांव के हम 8-10 बच्चे जाते थे, पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। तो उस वक्त हम कुछ महसूस नहीं करते थे कि भाई कितनी दूर है, तो मिले किताब हाथ में लेते और पढ़ते हुए चले जाते थे। भीड़ भाड़ भी नहीं थी, रास्ते में कोई कादा नहीं मिलता था और पढ़ते हुए चले जाते थे। जो टेबल वगैरह जो चीज़ बताई जाती कभी याद करके ना, हम तो आते वक्त याद कर लेते, जाते वक्त याद, हमारे वो अच्छी तरह याद हो जाता। बड़ी आसानी से हम पढ़ते रहे। मास्टर बड़े मेहरबान थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। और जब इम्तिहान के दिन आते एग्ज़ाम के, उस वक्त वो फ्री पढ़ाते, शाम को पढ़ाते, कोई ट्यूशन कोई नहीं लेता था, सिर्फ अपने नाम के लिए पढ़ाते थे। अरावली के दामन में बसा सोरण देश मेवात, यहाँ ज्यादातर लोगों की आमदनी का जरिया जमीन से जुड़ा है। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी इस पर पसीना बहाते हैं। गांव में स्कूल तो खुले पर उनमें अंधेरा रहा। जिंदगी की जद्दोजहद में किसी के पास न फुर्सत थी न पैसा कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ ध्यान दें। मेरा इरादा था कि मैं ज्यादा पढ़ूं नुहू में, तो नुहू की पढ़ाई खाने समेत 5 रुपये महीने का खर्चा था। मेरे बाप ने कहा भी कि इसको पढ़ाएं, मेरे बड़ा भाई कहने लगे जी इसको पढ़ाएंगे तो 5 रुपये का 5 मन आ जाएगा, 5 बार 60 मन ना बिके जब ये पढ़ेगा। 60 मन हमारे तो पैदावार भी नहीं होती, कैसे पढ़ाएंगे। मेरे बाप ने कहा ज़मीन रहन करके पढ़ाऊँ, लेकिन भाई ने फिर थोड़ी मुखालफत की। चलो हमने 8 पे इतफा किया, उसमें खुदा ने बरकत दी, अच्छा हो गया 8 में। मेरी शादी हो गई 1944 में। 44 में शादी होने के बाद फिर मैं 45 में दिल्ली चला गया। एक ठेकेदार के पास मुंशी लग गया, पहले 60 रुपया तनख्वाह मिलने लगी। उस वक्त मैंने 60 बहुत समझ जाते थे, वहाँ हिसाब किताब होता था, कई मुंशी थे उनके, बड़ा काम था यहाँ गिरजाघर के साथ दिल्ली कैंट में। तो उनमें जो हिसाब किया था, मेरा हिसाब में सबसे अच्छा नंबर था, मेरी राइटिंग वगैरह लिखना पढ़ना था। उन्होंने मुझे हेड मुंशी बना दिया, उन्होंने 100 रुपया तनख्वाह कर दी। जब 100 रुपया तनख्वाह किया हमने एक साल तक काम करते। स्वतंत्रता का संग्राम, अनमोल आज़ादी और उसके साथ साथ खूनी सिसकता बंटवारा। मुल्क की तकसीम के वक्त मोहम्मद इब्राहिम दिल्ली में मकान बनाने की ठेकेदारी करते थे। हर हिंदुस्तानी की तरह इब्राहिम भी बंटवारे के शोलों से अछूते नहीं रहे। मजबूरन उन्हें अपना काम बंद करके वापस मेवात आकर दुकान खोलनी पड़ी। आज के सपने अगर आज अधूरे रह जाए तो इंसान उन्हें अपने कल में पूरा करने की कोशिश करता है। मोहम्मद इब्राहिम की आगे पढ़ने की इच्छा पूरी न हो पाई तो उन्होंने अपने ख्वाबों की तामीर अपने बच्चों में ढूंढी। लाओ लाठी मारो सांप, शीशे की बोतल चकनाचूर। क्या हो रहा है मेरे बच्चों? अब्बा खेल रहे थे। खेल रहे थे, बहुत अच्छे। ये देखिए हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। अरे वाह, अब मैं पढूं? पढ़ो बेटे। आ से अनार, आ से आम, ऊ से बताओ। मैं बताऊं। बताइए बेटे। ऊ से ऊंट, ऊ से उल्लू। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। ऐसे ही दिल लगा करके पढ़ते रहो। जानते हो तुम्हारे दादा क्या कहा करते थे? कहते थे कि पढ़ाई दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन मैं तो नादान था, इस दौलत को ज्यादा नहीं कमा सका। मगर चाहूंगा कि तुम दोनों इनकी दौलत खूब कमाओ मेरे बच्चों। अब्बा वो उर्दू का कायदा भी ले आओ ना, जैसा अहमद के पास है। जरूर ला के देंगे बेटे, आप लोग दिल लगा कर पढ़ो, मेरी जो भी मदद होगी मिलेगी। आप लोग बस दोनों पोते पोतियां अपने दादा के ख्वाब पूरे करते रहो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके। अच्छा ये बताइए कि आपको तकदीर पे कितना विश्वास है? तकदीर विश्वास तो है, लेकिन लेकिन भाई अगर आप इसके साथ तदबीर का शब्द जोड़ दें तो हमें पूरा विश्वास। ये कही ना आप पे पते की बात। देखिए इंसान तो फानी होता है, तो उसके साथ साथ उसकी सलाहियतें, उसके फन भी दफन हो जाते हैं। ये तो हुई तकदीर की बात। अब अगर हम तदबीर की बात सोचें तो इंसान की ये तमाम सलाहियतें जिंदा रह सकती हैं। हाँ, शर्त ये है कि वो उन सलाहियतों को बांट ले, उन्हें सौंप दे, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को। जी हाँ, अपने समाज को, अपनी कौम को। और फिर देखिए कि यही छोटा सा बीज एक मजबूत पेड़ बनकर उभरता है, जिसमें जितनी शाखें होंगी उतनी ज्यादा पत्तियां होंगी। मैं बहुत छोटा था जब
میرے والد صاحب نے مجھے داخل کیا اسکول بھی نہیں تھا گاؤں میں ایک چوپال تھی تھڑی کہتے تھے اسی میں نیچے بیٹھتے تھے بچے تو جس وقت لے گئے انہوں نے کہا نہیں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری 6 سال نہیں ہوئی ہے اور 2 سال کی کمی ہے جو تو 2 سال کے بعد لائیے لیکن وہ انتظار نہیں کر سکے انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں کر سکتے 2 سال فالتو لکھ لیں جو تو اتنا چل جاتا تھا پہلے جو تو انہوں نے 56 کے بجائے الٹی گھٹا کے 54 کر دی عمر جو ہے تو 1954 کا جنم دن دکھا کے مجھے داخل کر لیا اور میری پڑھائی گاؤں کی تھڑی میں ہی شروع ہو گئی جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے اور راہ پر چلنے والے منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں اسی جذبے سے شروع ہوا محمد ابراہیم کی پڑھائی کا دوسرا سفر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ابراہیم نے ہندی اور انگریزی پڑھنی اور لکھنی سیکھی 58 میں اس کو میرا بیٹا اور میری ایک بیٹی تھی ان کو میں سکول میں پہلے میں ان کو اردو سکھائی تختی لکھنی مٹانی پڑھنا اب ان کو سکول میں داخل کر دیا تو سکول میں ماسٹر ان کو سکھانے لگا کیک ہے اے آئی تو وہ سکھایا نہیں لکھنا ہے کیا میں نے کہا یہ کیسے یاد ہو گیا پھر میں قاعدہ لایا اس وقت 10 پیسے کا اور لا کے میں نے کہا بھائی یہ بتا ماسٹر سکھا مجھے یہ بتایا اس میں ان کو ہندی اردو میں لکھ لیا ان کو اوپر ان کے نام سارے وہ 56 حرف جو ہے نا 26 حرف اور میں ان کو پہچان لیا لگا لکھ کے 10-12 دفعہ لکھا پھر ویسے اور میری پہچان لگی اے ہے یہ آ ہے یہ ای ہے یہ 12 ماترا وغیرہ سب یاد کر کے میں نے 2 دن میں پوری یاد کر لی تو پھر جیسے پڑھتے رہے میں ان کو پڑھاتا رہا لکھتا رہا پھر ماسٹر سے میں جوڑ پوچھا اس نے جوڑ بتا دیا مجھے سب کے پھر اس کو 6ٹھی تک میں ہندی ان کو خوب پڑھاتا ہی نہیں پتہ نہیں میرا باپ ان پڑھے جیسے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ویسے ہی اس کی کوئی بھاشا بھی نہیں ہوتی پڑھا لکھا انسان ہر بات کو بخوبی سمجھا سکتا ہے اور ہوا بھی یہ کہ کافی عمر تک سبحان اس بات سے انجان رہے کہ ان کے والد ابراہیم ہندی نہیں جانتے تھے میوات کے کہے ان کہے دستور پڑھائی کی راہ میں روڑے نہ بن جائیں یہ سوچ کر ابراہیم نے سبحان کو ان کی نانی کے پاس بھیج دیا اکثر یہ افواہیں بہت رہتی تھی کہ یہ بچے اب ہندی پڑھ رہے ہیں اور ان پہ ہندوازم کا اثر ہوگا اور یہ اپنے دھرم سے ایک طرف ہو جائیں گے چونکہ بہت بزرگ تھی بیچاری اس کو بھی احساس ہوا کہیں ایسا ہی تو نہیں ہوگا جو تو اس کا انہوں نے بہت بڑھیا انتظام کیا میرے اس کا دیکھیے آپ ایسا کریے دوسری پڑھائی پڑھیے میں نے کہا ہاں تیار ہیں ہم تو پڑھوائیے ہمیں جو تو انہوں نے انتظام کیا ایک مسجد جو گاؤں میں اس گھر سے کافی دور تھی جو صبح فجر کے وقت بہت صبح وہ جگاتی تھی اور ہم وہاں پر مسجد میں جاتے تھے اور وہاں پڑھتے تھے عربی بھی اردو بھی اور پھر 7-8 بجے تک دوڑ کے گھر واپس آنا ہوتا تھا اور جلدی جلدی ناشتہ دے کر کھانا بنا کے پھر وہ سرکاری اسکول میں بھیجتی تھی پھر ہندی پڑھو میتھمیٹکس پڑھو سائنس پڑھو پھر کچھ بھی پڑھو اور جب وہاں سے آ جاتے تھے شام کو پھر ایک بار دوبارہ بھیجتی تھی کہ کل کا جو تم نے پاٹھ پڑھا ہے مسجد میں جا کے اس کو ذرا اور پکا کر کے آؤ کیونکہ صبح صبح تمہارا ٹیچر پھر سنیں گے تم سے اور مطلب اس طرح کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا کہ دونوں مدرسوں میں دینی تعلیم میں بھی اور دنیاوی تعلیم میں بھی بچپن میں ہی یہ پرائمری اسٹیج کی بات میں بتا رہا ہوں بہت اچھا بیلنس ہمیں ملا جو اتنا تھا کھیلنے کا بہت کم ٹائم مل پاتا تھا لیکن پڑھائی بہت اچھے سے چلتی رہتی تھی کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آنے لگتے ہیں جہاں ایک اور گاؤں کے سارے بچے کھیتوں میں کھیلتے رہے وہیں دوسری اور سبحان محنت اور لگن سے پڑھائی کرتے رہے جب جب کوئی نئی راہوں پر چلنے کا ساہس کرتا ہے اس پر تانے کسے جاتے ہیں الزام لگتے ہیں چھینٹا کشی ہوتی رہی پر سبحان ہر کڑواہٹ کو نظر انداز کر کئی بھاشاؤں میں گیان حاصل کرتے رہے اس سکول میں پڑھتے وقت سنسکرت بھی پڑھا ہم نے پنجابی پڑھی ہم نے اور سبجیکٹس کے علاوہ لیکن جب 8ویں کے بعد 9ویں میں گئے تو ہمارے سامنے ایک دقت آئی کیونکہ ایک سلیکٹ کرنا تھا کہ ہم سائنس پڑھیں یا ہم آرٹ پڑھیں یہ فیصلہ 9ویں میں کرنا ہوتا ہے سائنس میں گاؤں کے بہت ہی کم لوگ جاتے تھے جو یہ ایک عام وہ تھی اور وہاں ایک ٹیسٹ تھا بہت بڑھیا جو ایک فزکس کا ماسٹر ہے وہ کیا کرتا تھا آتے ہی سب بچے کھڑے ہو جاؤ کون کون لینا چاہتے ہیں سائنس کھڑے ہو جاتے تھے اور لے کے ڈنڈا وہ پٹائی کرتا تھا روزانہ اس نے کہا تم بھی ہو تم کیا کرو گے تم نے کون سا چاند پر ہل جوتنا ہے تم کو چاند پر جاؤ گے اسے نہیں کہتے چاند پہ تو لوگ جا چکے ہیں اب تو ہم سورج کی بات سوچ رہے ہیں
तो मास्टर जल गया इससे, उन्होंने मुझे बताया, मैं गया भाई दूसरे दिन मास्टर से, मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की, उसने मास्टर को बुलाया, क्या कुछ कहा था इनके यहाँ, कह जी ये बच्चा मेरे सामने बोलता है, क्या बोला, इसने कहा था कि लोग चांद पर जा चुके, हम तो सूरज पर जाने की बात हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसके ख्याल ऊँचे उसको धमकाया, पढ़ाया इसे साइंस में भी अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया है। देखो जी, सुभान मियाँ ने तो अपनी स्कूल की आखिरी पढ़ाई खत्म कर ली, बता रहा था कि पहला नंबर आया उसके दर्जे में और आगे पढ़ना चाह रहा है, कह रहा था पता नहीं क्या कॉलेज। अरे कॉलेज मतलब शहर जाना पड़ेगा, वहीं रहकर पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है। मतलब तुझे कोई परेशानी नहीं कि लड़का घर से दूर रहे, ना जाने कैसी सोहबत, कैसा खाना पीना। अरे जब लड़कों को रखते हैं दूर पढ़ाने के लिए तो खाना भी सही देते होंगे, बाकी चीजें मैं साथ रखूंगी, घी चना गुड़ पापड़ सब कुछ रखूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं गलत सोहबत का असर आ गया तो फिर। देखो जी, मुझे अपने लड़के पर पूरा भरोसा है, खुद बुरे असर में आने के बजाय उनको सुधारेगा। तो तू चाहती है कि मैं उसकी बात मान जाऊं और भेज दूं घर से मिलो दूर पढ़ाई करने के लिए? हाँ, छुट्टियां तो होती होंगी, आ जाए करेगा मिलने, तुम जरूर भेजो। तो ठीक है, कुछ बंदोबस्त करता हूँ। जिस वक्त मैंने अपने बेटे को वहाँ यहाँ मैट्रिक करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कौल एक जगह है, कैंपस था वहाँ दाखिल किया इसको, एक मास्टर ने बताया था कि वहाँ ऐसी जगह, वो बेचारा उसको साथ ले गए हम, दाखिल कर दिया। तो कुरुक्षेत्र जो है ऐसी जगह है कि जहाँ कैरू पंडियों का जंग हुआ था, किसी एक दूसरे से मोहब्बत भी नहीं है, लोगों को मार रहे थे कारने में, तो दाखिल तो कर दिया, और दाखिल करने के बाद जब वहाँ से चल दिया ना, फिर मेरे दिमाग में बात घूम गई, ये तो बहुत गंदी जगह है और तेरे एक ही बेटा है, उसको भी जिलावतन कर दिया, यानी देश निकाला, देश को छोड़ कर आ गया। तेरे पास ट्रैक्टर भी है, जमींदारा भी है, अगर यहाँ रहता 200-400 रुपये ट्रैक्टर से रोज़ाना कमाता, मोटियाँ मत हो जाती। तो दिमाग में कुछ ऐसा चक्कर सा गया, टेंशन हो गई। खैर मैं सोचता सोचता आ गया वहाँ से, बस में आके मैं करनाल उतर गया, और करनाल उतर के मुसाफिर खाने में सोचने लगा, मैंने कहा भाई 1,000 खर्चा हुआ है, मैं वापस चलूँ और बच्चे को वापस वहाँ से ले आऊँ, ये तो मैं गलत काम हुआ है, तो बहुत दूर ये कि तो बच्चा उसको बहुत दूर कर दिया। उस वक्त मैं थोड़ा घबरा गया, फिर मैं बस के पास गया, चढ़ जाता हूँ, फिर वापस बैठ गया, मुझे आधा घंटा बैठते बैठता हुआ। खैर मैंने सोच के जल्दी से दिल्ली आ रही थी, बस मैं उसमें बैठ गया, दिल्ली आ गया, और दिल्ली से फिर रात को मैं यहाँ कोई शाम को 4 बजे अपने घर आ गया। क्या बात है, बड़े खामोश हो, तुमने बताया नहीं बेटे की रहने की जगह कैसी है, मतलब खाने पीने का क्या होता है, खाना वही आता है या बच्चों को बाहर जाना पड़ता है? वो सब तो ठीक है बेगम, मगर मैं सोच रहा था कि बच्चा घर से इतनी दूर अकेला, कहीं कोई बीमारी कोई परेशानी। मतलब कि बेटे को छोड़कर आना अच्छा नहीं लग रहा है बाप को? हाँ यही समझ लो, पर तुम ही बताओ बेगम कि मैं क्या करूँ, एक तरफ तो पढ़ाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ इतनी घर से दूर। देखो जी, अब अगर पढ़ाई की अहमियत समझते हो और ये भी जानते हो कि इसके लिए घर से दूर रहना पड़ेगा, देखो अब ये परेशानी हमारी है, आने दो लड़के को छुट्टियों में घर पे, अब अगर वो खुश है तो खूब पढ़े, खुश रहे। शायद तुम ठीक ही कह रही हो बेगम, मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। तुम क्या समझते हो, मुझे ही जैसे बहुत अच्छा लग रहा है उसे नजरों से दूर रख के, मगर ठीक है, इसी में उसके आने वाले दिनों की भलाई है ना? वाकई तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है बेगम, पता नहीं क्यों जब से मैं सुभान को शहर छोड़कर आया हूं तब से अपने आप को मुजरिम समझ रहा था। खुदा तुम्हारा भला करे। खुदा सबका भला करता है जी, वो रहीम है,
करी है। इसके तीसरे चौथे दिन चिट्ठी आ गई कि यहाँ के जो लेक्चरार हैं बहुत अच्छे हैं और जो हमने यहाँ पढ़ा था वही हमारे पास वही सब्जेक्ट वही आ रहे हैं सभी सारे लेक्चर वगैरह। मुझे तसल्ली होगी फिर दोबारा, तो अब रोज़ाना एक चिट्ठी वहाँ से आ जाए दूसरे तीसरे एक में तो सिलसिला चल गया। एक महीने के बाद ही आया, इसकी सेहत भी अच्छी थी, कपड़े भी अच्छे थे, बहुत बोलचाल ही, मैंने कोई घबराहट नहीं जी कुछ भी नहीं, इसका साथ ही था तो इसे ऐसा चाव लगा हुआ है तो जान गया ससुराल जाने का चाव लगता है। कहने लगे पिताजी मैं जल्दी जाऊँगा। कितना मुश्किल होता है कि माहौल और समाज की मुखालफत के बावजूद एक इंसान कोई पक्का इरादा कर ले, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है कि उस इरादे को पूरा कर दिया जाए। फिराक साहब का एक शेर याद आ रहा है इसी बात पर कि गुर जिंदगी के सीखे खिलती हुई कली से। वाह, गुर जिंदगी के सीखे खिलती हुई कली से, लब पर है मुस्कुराहट दिल खून रो रहा है। अच्छा, आपने एक बात पे ध्यान दिया कि हमारी इस कहानी में दिल पर काबू पाने वाली माँ एक अनपढ़ औरत है जो बड़े यकीन के साथ अपने मियाँ को हिम्मत दिलाती है कि वो हालात से हारे नहीं। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि मर्द राह बनाता है और औरत उस पर अपने बच्चों को चलना सिखाती है। वहाँ काफ़ी शंका थी कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात सही थी कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी थी, बड़ा अच्छा कैंपस था और बहुत रईसों के बच्चे थे, बहुत होशियार बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम था। और तो ये सारी बातें देख के लगता नहीं था कि एक आम गांव से आया हुआ बच्चा इस इंग्लिश मीडियम में, इस बड़े भारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ लेगा और लोगों का मुकाबला कर लेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस हमें बहुत हो गया था प्री यूनिवर्सिटी में कि ऐसा नहीं, अगर पढ़ना चाहें तो कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी पढ़ सकते हैं। और मेरी ज़िंदगी में एक बात ज़रूर रही है कि मैंने चाहे कितनी बड़ी परेशानी आई उसको चैलेंज के रूप में लिया और बहुत मेहनत की और सब में कामयाबी मिली। तो हमने कहा इंग्लिश मीडियम में कोई बात नहीं, हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे, और फिर हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े। और ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी फिर मेरा फर्स्ट क्लास फर्स्ट से कम आया ही नहीं है। बीएससी में फर्स्ट डिवीजन रही, वहाँ हमने कहा 61%, फिर हमने कहा एमएससी में 80% से ज़्यादा, पीएचडी में 80% से ज़्यादा, इतना बढ़िया मतलब उसमें रहा। जब ढूंढने निकलते हैं तो खुदा भी मिल जाता है, फिर मंजिल क्यों कर नहीं मिलेगी। आज सुभान खां डॉक्टर सुभान खां हो गए हैं। मेवात के ये पूत आज देश विदेश के जाने माने साइंटिस्ट हैं जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्था में कार्यरत हैं। शहर आने के बावजूद ये अपने इलाके मेवात को नहीं भूले हैं। वो जमीन और उसके बेहतर उपयोग पर खास काम करते हैं और समय समय पर गाँव आकर वालिद साहब और गाँव वालों को खेती की मॉडर्न टेक्निक से अवगत कराते रहते हैं। डॉक्टर सुभान का निकाह एक पढ़ी लिखी मेवाती लड़की शबनम से हुआ और उनके तीन बच्चे हैं जो दिल्ली में ही दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। सुभान खां और शबनम जानते हैं कि दीनी इल्म और दुनियावी तालीम का चोली दामन का साथ है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है एक मुकम्मल जिंदगी जीने के लिए जिसके दोनों पहलू दीन और दुनिया साथ साथ चलते हैं। दीन जो है किसी तालीम को मना नहीं करता। हमारे तो कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि मर्दों और औरतों के लिए इल्म फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तलब इल्म फरीज़तुन, कुरान के अंदर आता है कि इल्म का तलब करना जो है मर्द औरत सबके लिए फ़र्ज़ है। यही एक छोटा सा फ़र्क है समझने का। दरअसल क्या है, जो धर्म में भी कट्टरपंथी लोग होते हैं, बड़ी छोटी सी बात है, उनको ये रहता है कि अगर ये हमारी पूरी बात सीख गए तो फिर हमारी चौधरशिप कैसे चलेगी, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो। बात एक ही है, हर एक को अपना चाहिए उसके ऊपर कब्जा, जैसे मैं कहूँ लोग मेरी बात मानते रहे, तो वो चाहते नहीं। हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना चाहते थे तो हमें नहीं पढ़ने दिया उन दिनों, जो नहीं नहीं ये आपके लिए नहीं है, जो आप जो है इसी को रटना है, इसी से नमाज पढ़ी जाती है, तर्जुमा की बच्चों को ज़रूरत नहीं होती। और मैं ये चाहता पता तो चले अरबी में क्या लिखा हुआ है, ऐसे रटे जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या है ये चीज़। वो किसी को पसंद नहीं थी उन दिनों, जो अभी बहुत पसंद नहीं करते। हालांकि मैं अभी भी इस बात का पक्का हक में हूँ कि बच्चों को तर्जुमा भी पढ़ाना चाहिए ताकि वो समझ सकें क्या पढ़ रहे हैं। जो अगर वाकई में किसी धर्म में, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू कोई हो, अगर उसमें कमी है तो वो आज नहीं तो कल चला जाएगा जो। लेकिन अगर आप इतना यकीन है, आप समझते हैं मेरा धर्म बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है, तो लेट इट शुड बी ओपन, खुला होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा इंसान दीन से कभी दूर नहीं होता,
बल्कि उससे और जुड़ता है और उसे अच्छी तरह समझता भी है। गांव छारोड़ा के बीच तामीर होती ये नई मस्जिद इसकी जीती जागती मिसाल है। इस मस्जिद की तामीर हाजी मोहम्मद इब्राहिम और उनका परिवार करवा रहा है, जो कि दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा परिवार है और दीन से जुड़ा भी। किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले भलाई करो और फिर भलाई करो। वाह क्या बात है। और देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस परिवार ने जब एक दफा इल्म की मशाल उठाई तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जोत जलती चली गई। अल्लाह ने दिमाग दिया है तो उसके साथ ये तौफीक भी तो दी है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, और कितनी आसानी से साबित कर दिया कि मजहब और इल्म दो मुखालिफ चीजें नहीं है। ये तो दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं और एक ही पंछी के पर हैं। एक पहिए से गाड़ी चल नहीं सकती और एक पर से पंछी उड़ नहीं सकता। हम तो समझदार उसी को मानते हैं जो अपनी समझ से काम ले, इधर उधर की कही हुई बात पर यकीन न लाए। बिल्कुल।